एमआईएम के खरनौल उम्मीदवारों का शानदार जीत। बताते चलें कि मध्य प्रदेश में एमआईएम ने नगर चुनाव से की शुरुआत और एमआईएम का लगातार रिजल्ट आने के बाद एमआईएम के कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर। मध्य प्रदेश के खरनौल में एमआईएम के 3 उम्मीदवारों का अब तक रिजल्ट आ चुका है, जिसमें वार्ड नंबर 2 से अरुणा श्याम, वार्ड नंबर 15 से शकील खान और वार्ड नंबर 27 से शबनम अदीब, ये तीनों उम्मीदवार अभी सुर्खियों में हैं और लगातार मध्य प्रदेश के नगर चुनाव में एमआईएम की जीत से खुशी का माहौल है। हैदराबाद से भी आगे बढ़कर अपने तालीमी इनकलाब को आगे बढ़ाने का एक मंसूबा बनाया। हाली अरसे में हमने औरंगाबाद में भी एक स्कूल की इमारत का सैन्य बुनियाद रखा और फिर औरंगाबाद के बाद हमारा इरादा है, अल्लाह ने चाहा तो निजामाबाद में भी हमने जमीन खरीदी है। निजामाबाद में भी एक तालीमी दर्जगाह की सैन्य बुनियाद इंशाअल्लाह आने वाले कल में हम अली वो भी होगा। और निजामाबाद के बाद हमारा इरादा है कि महाराष्ट्र में एक और जगह पर जहां पे जमीन खरीद कर रखी है हमने मालेगांव में, वहां पर भी काम करेंगे। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह की राह में जो जिद्दोजहद करता है, जो कोशिश करता है, अल्लाह गैब से उसकी मदद करता है और गैब से इंतजाम करवाता है काम को मुकम्मल करने का। अगर मैं आज सोचूं तो मैं और एक इमारत नहीं बना सकता। अगर मैं अपने जेब को देखूं, अपने पास पैसे कितने हैं देखूं, तो शायद मैं नहीं बना सकूंगा। लेकिन मेरी नीयत है और जिसके लिए ये काम कर रहा हूं और जिसकी उम्मत के लिए काम कर रहा हूं, वही इस काम को मुकम्मल करवा देंगे। ये मेरा ईमान है। ये काम अल्लाह की खुशनूदी के लिए है, अल्लाह की रजा के लिए है। तो ये काम अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्म करेंगे और गैब से इस काम को करवा देंगे। अरे आज हमने ये काम किया है दुनिया